दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब दौरे पर। केजरीवाल ने माता कौशल्या जिला अस्पताल पटियाला में एक नए आपातकालीन और बाल चिकित्सा वार्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले एक साल में 650 के करीब मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बन चुके हैं। सभी जिला अस्पतालों का हाल खराब था, किसी भी जिला अस्पताल में आईसीयू नहीं था, लेकिन अब आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं, अस्पतालों का रेनोवेशन किया जा रहा है। हम पहले चरण में 550 करोड़ रुपए खर्च करके 40 जिला अस्पतालों को बदलने की योजना बना रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई बीमार होगा तो उसका पूरा इलाज, दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन सब कुछ अच्छे से अच्छा कराएंगे और फ्री कराएंगे और इसकी व्यवस्था करेंगे। तो पिछले एक साल के अंदर 650 के करीब मोहल्ला क्लिनिक बन चुके पंजाब में। तो अब अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, खांसी, जुखाम, बुखार वगैरह कुछ है, तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अब फोकस है सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे, जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनका सबका बहुत बुरा हाल था। जैसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयूज नहीं है यहाँ पे। तो अब आईसीयूज भी बन रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर्स भी बन रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज भी आ रही हैं और पूरा एक रेनोवेशन पूरा हॉस्पिटल का किया जा रहा है। हमने लोगों को गारंटी दी थी, शिक्षा की गारंटी दी थी, स्वास्थ्य की गारंटी दी थी, बिजली की गारंटी दी थी, नौकरियों की गारंटी दी थी, व्यापार को वापस लाने की गारंटी दी। हम 1.5 साल में बहुत सी गारंटियां हम पूरी कर चुके हैं और बहुत सी गारंटियां चल रही हैं। स्वास्थ्य क्रांति की जो गारंटी हमने दी थी उसमें मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली में, उस मॉडल पे हमने आम आदमी क्लिनिक पंजाब में बनाए। 664 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, उसमें 55 लाख के करीब अभी तक लोग आके ठीक होके घरों में जा चुके हैं। अभी हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और PHC जो कस्बों में, छोटे कस्बों में डिस्पेंसरीज हैं, अभी उनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं।